हेलो स्टूडेंट्स, सो अभी ये जो क्लास होगा हमारा वो होगा एनेस्थेटिक्स के ऊपर। ठीक है, जिस क्लास में हम एनेस्थेटिक्स पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको कराने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए अभी हम क्लास ले लेते हैं। आपके जो भी क्वेरीज होंगे वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बीच में अगर इनके आपको वॉइस का प्रॉब्लम है कुछ है तो आप इंटरप्ट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। बट इन केस अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वो हम क्लास के लास्ट में ले लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू ब्रोमो टू क्लोरो वन 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 ट्राई फ्लोरो इथेन इज, ये एक कंपाउंड है। ये एनास्थेटिक कैटेगरी का ही है ऑफ कोर्स। तो आप समझ ही गए हैं, इस तरह के नाम जो होते हैं वो यूजुअली एनास्थेटिक कैटेगरी कंपाउंड्स के होते हैं। तो इसको देखते ही ये दोनों ऑप्शंस तो पहले ही नहीं होंगे, ये समझ लीजिए। एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी अल्सर तो ये है ही नहीं, है ना? तो ये दोनों तो पहले ही क्रॉस हो जाते हैं। अब बचते हैं बचे के ऊपर के दो ऑप्शन की, ये लोकल एनेस्थेटिक है या फिर जनरल एनेस्थेटिक है। ठीक है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। पहले तो इसका स्ट्रक्चर चलिए आगे बताऊंगी, अभी पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इस कंपाउंड का दूसरा नाम होता है हेलोथेन। क्या बोलते हैं इसको? हेलोथेन। ठीक है, तो अगर आपको हेलोथेन का केमिकल नेम पता है कि उसको टू ब्रोमो टू क्लोरो वन 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 ट्राई फ्लोरो इथेन बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो हेलोथेन होता है टू ब्रोमो टू क्लोरो वन 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 ट्राई फ्लोरो इथेन, और ये एक जनरल एनास्थेटिक होता है। करेक्ट आंसर है बी, दैट इज जनरल एनास्थेटिक। मतलब हेलोथेन अगर हम लेते हैं तो किसी पेशेंट को अगर हम बेहोश करते हैं हेलोथेन से, तो वो पूरी तरीके से उसकी पूरी बॉडी मतलब बेहोश हो जाती है। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर पार्ट में जैसे सुन्न हो जाता है या कुछ है, इस तरह से नहीं होता है। पूरी की पूरी बॉडी ही बेहोश हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए उसको हम जनरल एनास्थेटिक कैटेगरी में डालते हैं। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरल एनास्थेटिक एजेंट्स डज नॉट बिलोंग टू हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन ग्रुप। ऐसा कौन सा जनरल एनास्थेटिक एजेंट है यहाँ पे जो चार दिए हैं, जो कि हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। नॉट बिलोंग यानी नहीं बिलोंग करता हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी आपको इसके लिए एक चीज पता होना इम्पोर्टेंट है कि हेलोजन्स होते क्या है। तो हेलोजन जितने भी आपने ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और फ्लोरीन, ये चार, ठीक है, ये होते हैं हमारे हेलोजन। जहां पे भी जिस भी स्ट्रक्चर में या नाम में आपको क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो ये देखने सुनने को मिले, या उसके स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ देखने को मिले ग्रुप, तो आप समझ जाइए वो हेलोजन है। ठीक है, और कंपाउंड में यहाँ पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा जनरल एनास्थेटिक ऐसा है जिसमें हेलोजन नहीं है, हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन ग्रुप नहीं है, मतलब हेलोजन नहीं है। तो वो अब हम नाम से ही समझेंगे। पहला देखिए, बोल रहे हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में बोल रहे हैं ना क्लोरो, क्लोरो यानी सीएल, है ना? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, उसमें तीन तीन क्लोरीन होते हैं, तो इसमें तो हेलोजन है, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इसको पहले ही कैंसिल करते हैं। हेलोथेन है सेकेंड ऑप्शन। हेलोथेन में हेलो पहले ही बोल दिया उसने, अब यहाँ भी हेलो 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 यानी हेलोजन, राइट? तो ये भी पॉसिबल नहीं है, कैंसिल कर देते हैं, जिसमें भी हेलोजन होगा। थर्ड है ट्राइक्लोरो इथाइलीन। ट्राइक्लोरो यानी कि इसमें तीन क्लोरीन ग्रुप्स प्रेजेंट है, और मैंने आपको बोला ही क्लोरीन है तो मतलब वो हेलोजन होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। बचा क्या? कीटामीन। इसमें कीट यानी कि कीटोन है, अमीन यानी अमीन ग्रुप है, मेनली तो यही होंगे, वरना अगर क्लोरो ब्रोमो में से कुछ होता तो उसके नाम में कहीं ना कहीं आपको दिख जाता। तो अल्टीमेटली डी इज सी करेक्ट ऑप्शन, कीटामीन। अब आप देख रहे हैं कैसे फिगर आउट करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। गलत ऑप्शंस अगर आप सारे कैंसिल कर देते सही आंसर अपने आप मिल जाता है, राइट? हेलोजन नहीं है मतलब कि
वो नाम से ही समझ में आ गया, क्लोरो में क्लोरोफॉर्म में क्लोरो है, हेलोथेन में हेलो है, ट्राइक्लोरोएथाइलीन में ट्राइक्लोरो है, इन सब में हेलोजन है, सिर्फ कीटामीन ऐसा कंपाउंड है, ऐसा जनरल एनास्थेटिक एजेंट है जिसमें हेलोजन नहीं है, इसलिए यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनास्थेटिक इज पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड एस्टर डेरिवेटिव। मतलब कि बोलना चाह रहे हैं ये, अब आपको इसके लिए ना इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बता होना जरूरी है। देखिए इस तरीके से पैरा अमीनो यानी कि मैंने आपको, अगर एक कभी आपने मेरी आईयूपीएससी की क्लास देखी होगी तो उसमें आपको समझेगा कि कैसे ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशंस होती हैं, है ना। पैरा अमीनो कह रहा है, बेंजोइक एसिड एस्टर कह रहा है, तो बेंजोइक एसिड का मतलब तो हो गया ये CO, है ना। इसके बाद H और लगेगा बट मैं नहीं लगा रही क्योंकि उसने एस्टर बोल दिया, एस्टर ग्रुप खाली इतना ही होता है। एस्टर का मतलब ये कि COO होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, उसकी जगह कोई और ग्रुप लगा होगा। पैरा पे अमीनो यानी कि इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन होती है ये वाली, ये मैंने आपको बताया था, ये वाली होती है मेटा पोजीशन, है ना, और ये बचती है ये होती है पैरा पोजीशन, पी से डिनोट करी हूं मैं। तो यहाँ पे बना है, पैरा पे बोल रहा है अमीनो यानी पैरा पे है NH2 ग्रुप, तो ये होता है आपका पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड एस्टर बोल रहा है। एस्टर यानी यहाँ पे COO ग्रुप होगा तो आगे और भी ग्रुप कुछ ना कुछ होगा, तो यहाँ पे एक कार्बन होता है CH2, एक और कार्बन होता है CH2, उसके बाद में एक नाइट्रोजन होता है, उस नाइट्रोजन पे एक CH2CH3, एक और CH2CH3, ऐसे ये जो बनाया ना मैंने, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कार्बन है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कार्बन है। ठीक है, तो ये है पूरा एक स्ट्रक्चर, और अगर आपने ये स्ट्रक्चर देखा हो, ये होता है प्रोकेन का स्ट्रक्चर, तो इसका करेक्ट आंसर प्रोकेन है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर्स की नॉलेज भी बच्चों होना इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन ही सही आ ही जाता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ये दिया। तो लोकल एनास्थेटिक ऐसा कौन सा है जो कि पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड एस्टर डेरिवेटिव है, जिसके स्ट्रक्चर में पैरा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप हो, उसके अंदर बेंजोइक एसिड एस्टर हो, और ये सारा का सारा ग्रुप जो है ही, तो वो है हमारा प्रोकेन। ठीक है, ये लोकल एनास्थेटिक एग्जाम्पल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंट्रावेनस एनास्थेटिक। कौन सा ऐसा है इन सब में से जो आईवी रूट से नहीं दिया जाता, नॉट यानी नहीं दिया जाता, इंट्रावेनस यानी आईवी रूट से। ठीक है, तो देखिए ये सबके सब ही आईवी रूट से दिए जाने वाले हैं सिवाय हेलोथेन के, फोर्थ ऑप्शन ये है। एक अगर आपने इसके लिए ना बच्चों, इंपॉर्टेंट है आपको क्लासिफिकेशन पता होना, क्लासिफिकेशन जरूर पढ़ें, ऑब्वियसली अपने क्लासेस में भी पढ़े ही होंगे। तो क्लासिफिकेशन में हमने देखा हो इनहेलेशनल एनास्थेटिक जो होते हैं, जो कि इनहेल करके मतलब नाक से उनको सुंगा के आपको दिया जाता है, नोज के थ्रू दिया जाता है, तो वो इनहेलेशनल एनास्थेटिक्स जो है उसमें एग्जाम्पल आता है हेलोथेन का। ठीक है, उसमें नाम आता है हेलोथेन का, तो हेलोथेन एक इनहेलेशनल एनास्थेटिक है, इसको इंट्रावेनसली नहीं दिया जाता, इसको इंजेक्शन से आईवी मैनी वेन्स में नहीं देते। अगर आपने इसको आईवी रूट से दे दिया मान लीजिए, तो उसकी वजह से कभी कभी पेशेंट को कभी कभी उसके लंग्स फेल हो सकते हैं, और कभी कभी उसका डेथ भी हो सकता है। ठीक है, सांस की शॉर्टेज की वजह से उसकी डेथ हो सकती है। ओके, तो हेलोथेन हमेशा इनहेलेशनल तरीके से दिया जाता है, इसको लिक्विड फॉर्म में कभी आईवी रूट से नहीं दिया जाता। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, हेलोथेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। अब आंसर पता होने से पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया का मतलब पता हो। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया वो एनेस्थीसिया होता है जिसमें जब पेशेंट सपोज एक दिन आके एडमिट हुआ, उसका ऑपरेशन हुआ, और उसी दिन उसको डिस्चार्ज मिल गया। ठीक है, हॉस्पिटल में एक ही दिन में ऑपरेशन होकर उसको उसी दिन अगर डॉक्टर डिस्चार्ज कर दें कि हाँ चले आप घर चले जाइए, तो उस हेलो,
स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी आप सभी को? वॉइस नहीं आ रही है कपिल, वॉइस नहीं आ रही है। आ रही है। ओके ओके कपिल, शायद आपके माइक का इश्यू होगा शायद से कुछ। हाँ ओके, चलिए आ रही, डन डन डन। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। चलिए एक बार फिर से भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th पे हम थे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। देखिए ऐसा होता है कभी कभी किसी सिचुएशन में। देख, एनेस्थीसिया कई तरीके के होते हैं। कोई इनहेलेशनल तरीके से दिया जा रहा है, आईवी तरीके से दिया जा रहा है, किसी में किसी एक पार्टिकुलर बॉडी पार्ट को सुन कर दिया, किसी में पूरी बॉडी को ही, मतलब पूरे इंसान को ही बेहोश कर दिया, इस तरीके से होता है। लेकिन इसमें क्या होता है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया में, कि पेशेंट को ऐसा फील होता है, पहले उसको दिखना एकदम अजीब तरीके से, सब कुछ दिखना दिखना धीरे धीरे बंद होगा। उसके बाद उसको सुनाई अजीब अजीब सी आएगी सबकी आवाजें, धीरे धीरे उसको सुनाई आनी बंद हो जाएगी सबकी। फिर धीरे धीरे उसको ऐसा लगेगा वो फ्लोटिंग स्टेट में है, उसको लगेगा वो उस तैर रहा है हवा में। ठीक है, बहुत ऐसे लाइट लाइट फील होगा, मतलब उसको पूरी दुनिया से ऐसा लगेगा मैं उस दुनिया में ही नहीं हूँ, एक्चुअली लोगों के बीच नहीं हो ना, किसी की आवाजें आ रही हैं तो अजीब सी, और धीरे धीरे शब्द सब शांत। वो जो स्टेट होती है ना, कि आप हर चीज से कट ऑफ हो जाते हैं, आपको इधर उधर की दुनिया का कोई ख्याल नहीं रहता। ठीक है, वो सिचुएशन होती है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया वाली। ओके, और कौन सा एनेस्थेटिक इस सिचुएशन, इस कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो है बी, दैट इज थीटा। ठीक है, तो जब आप पूरे की पूरे हर चीज से कट ऑफ होके और बिल्कुल उस स्टेट में, एनेस्थीसिया वाले स्टेट में पहुंच जाए, ना आपको किसी तरह का पेन हो रहा है उस स्टेट में, ना ही कोई सुध-बुध है किसी की भी, और आपको लग रहा है आप तैर रहे हैं, ऐसे फ्लोट कर रहे हैं, उस स्टेट में आप हैं, तो उसके लिए, उस कंडीशन में, मतलब आपको डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया दिया गया है, और उसका एग्जाम्पल है आपका कीटामीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द ड्रग्स विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन इन लिमिटेड एरिया विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस आर कॉल्ड एज। अब यहाँ पे देखिए, दो तरीके के ड्रग्स होते हैं एनेस्थेटिक, दो होते हैं मेनली, जनरल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक। जनरल यानी जो पूरा आपको बेहोश कर दे, और लोकल यानी कि किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट को ही बस सुन्न करने के लिए, मतलब वहां सेंसेशन ना हो आपको एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में, बस वहीं ऑपरेट हो जाए और ठीक हो जाए, ऐसा करने के लिए हम लोकल एनेस्थेटिक देते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी कि ऐसा सेंसेशन जो खत्म तो हुआ बट वो रिवर्सिबल है, वापस से सेंसेशन आ जाएगा, वो भी कहाँ, इन लिमिटेड एरिया। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इन लिमिटेड एरिया यानी एक पर्टिकुलर बॉडी के किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस यहाँ पे लॉस नहीं हो रही है, मतलब इंसान पूरी तरह बेहोशी की स्थिति में नहीं जा रहा है। तो जो ड्रग्स इस तरह का रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन प्रोड्यूस करती हैं, वो भी एक पर्टिकुलर एरिया में ही, और इंसान पूरा बेहोश नहीं होता है, वो ड्रग्स कहलाती हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, तो बी आंसर जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, केमिकल नेम ऑफ हेलोथेन इज, हेलोथेन का केमिकल नेम क्या है? 2-ब्रोमो-2-क्लोरो-1-1-1 ट्राइफ्लोरोईथेन, या फिर प्रोपेन। देखिए लास्ट के दो ऑप्शन तो पहले ही नहीं है, क्योंकि ब्रोमीन आता ही आता है और क्लोरीन भी आता है, दोनों के दोनों हेलोथेन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसका नाम ना बच्चों हेलोथेन रखा है। इसके लिए मैं ये ट्रिक आपको बता देती हूँ, हेलोथेन नाम इसलिए रखा है इस कंपाउंड का हेलोजन, क्योंकि वो स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे कौन सा हेलोजन है, क्योंकि इसमें क्लोरीन भी होता है और ब्रोमीन भी होता है, दोनों होते हैं, इसलिए इन्होंने नाम हेलोथेन रख दिया। ये नहीं बोला कि क्लोरोथेन है कि ब्रोमोथेन है, ऐसा कुछ नहीं नाम रखा है। हेलोथेन नाम रखने का मतलब है उसमें एक से ज्यादा मतलब हेलोजन होंगे, तो आप समझ जाइए लास्ट के दो ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एक एक हेलोजन है, इसमें खाली क्लोरो है, इसमें खाली ब्रोमो है, अब बचे दो ऊपर के, इसमें कंफ्यूजन बनने का पूरा चांस है, तो इसके लिए इसका स्ट्रक्चर पता होना इंपॉर्टेंट है। हेलोथेन का करेक्ट जो आप आंसर है इसका, वो ए है, 2-ब्रोमो-2-क्लोरो-1-1-1 ट्राइफ्लोरोईथेन। देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, सिंपल ऐसे दो कार्बन होते हैं। ठीक है, तो सेकेंड वाले कार्बन पे ही बोल रहे हैं ना, 2-ब्रोमो
इसी पे ब्रोमीन है और इसी पे है क्लोरीन, ठीक। और एक बचा तो वो हाइड्रोजन, और वन 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 मतलब पहले ही कार्बन पे ट्राई फ्लोरो यानी तीन फ्लोरीन है, तो इस तरीके से एक फ्लोरीन, ऐसे ये दूसरा फ्लोरीन, और इस तरह ये थर्ड फ्लोरीन। ऐसे तीन फ्लोरीन है फर्स्ट कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे एक ब्रोमीन ग्रुप अटैच्ड है और एक क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है। ये होता है हेलोथेन का स्ट्रक्चर। करेक्ट ऑप्शन है इसका 2 ब्रोमो 2 फ्लोरो 1 1 1 ट्राई फ्लोरो इथेन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा स्ट्रक्चर है, बस स्ट्रक्चर महत से आप समझ जाइए और इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। 8th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनास्थेटिक इज अ नेचुरल प्रोडक्ट। कौन सा लोकल एनास्थेटिक ऐसा है इन चारों में से जो नेचुरली ऑप्टेन किया जाता हो, नेचुरल प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कोकेन। देखिए बाकी सारे नाम आपने ऐसे भी कम सुने होंगे, ब्यूटाकेन, हेक्साइलकेन, प्रीलोकेन, ये ऐसे एनास्थेटिक हैं जो कि आप लैबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं। बट कोकेन जो है कोका लीव से, एक नेचुरल प्लांट है कोका प्लांट, उसकी कोका लीव से ऑप्टेन किया जाता है, ठीक है। और इसको एज अ एनेस्थेटिक यूज करते हैं, और कई बार लोकल एनेस्थेटिक की तरह वैसे यूज होता है, बट कई बार लोग इसको नशे के लिए भी यूज करते हैं, इसीलिए ये उस कैटेगरी में भी आता है कि आपको ऐसे इजीली मतलब कोई भी ऐसे नहीं मिल जाएगा ये, ठीक है। थोड़े बैंड प्रोडक्ट्स में से भी आ जाता है। तो अल्टीमेटली कोकेन जो है वो कोका लीव से ऑप्टेन होता है, कोका लीव जो जाहिर सी बात है प्लांट की लीव होंगी, तो ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि और लोकल एनास्थेटिक भी है, तो कोकेन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, बेंजोकेन इज, बेंजोकेन का सही आंसर यहाँ पे है सी, इथाइल पैरा अमीनो बेंजोएट। देखिए बेंजोकेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। बेंजोकेन है मतलब बेंजीन तो होगा ही ना, नाम से ही समझ में आ रहा है, तो ये बेंजीन रिंग होती है, ठीक। पैरा अमीनो बोला ही इसका स्ट्रक्चर में, पैरा पोजिशन पे अमीनो ग्रुप है, यहाँ पे बेंजोएट कह रहा है, तो सी ओ ओ हो गया बेंजो, ओएट यानी कि एस्टर है, और सी पे इथाइल ग्रुप अटैच होता है CH2 CH3, ठीक है। तो ये है बेंजोकेन का स्ट्रक्चर। पैरा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप, जैसे मैंने आपको अभी वहां बताया था पीछे प्रिलोकेन के स्ट्रक्चर में, प्रोकेन के स्ट्रक्चर में सॉरी, उसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर भी है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। ये इसका ऑर्थो पोजीशन होता है, ये मेटा होता है इसमें भी, और ये वाला पैरा पोजीशन होता है। पैरा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप अटैच्ड है, ये COO है एस्टर, इसके लिए हम यूज करे हैं ओएट वर्ड, एस्टर के लिए हम ओएट वर्ड यूज करते हैं जो यहाँ यूज हुआ है, और बेंजो यानी बेंजीन रिंग, तो ये रही बेंजीन रिंग, और इथाइल यानी कि दो कार्बन, तो ये CH2 CH3, ये होता है स्ट्रक्चर बेंजोकेन का। बेंजोकेन इथाइल पैरा अमीनो बेंजोएट होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल सा है, प्रोकेन बेंजोकेन लगभग सेम सेम स्ट्रक्चर है, बस प्रोकेन होता तो यहाँ पे आगे और एक नाइट्रोजन रहता और उस पे दो और इधर उधर पे इथेन लगे होते, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, बेंजोकेन में सिर्फ ये दो कार्बन तक का है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होता है। नहीं, नाउ 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिट्यूरेट। इनमें से कौन सा अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिट्यूरेट है। अगेन इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्लासिफिकेशन क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन से अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, कौन से शॉर्ट एक्टिंग, कौन से इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग बारबिट्यूरेट होते हैं, ठीक है। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं एग्जामिनर, तो आपको पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होता है आपका थायोपेंटल सोडियम, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मीथोएक्सेटल सोडियम, थायोपेंटल सोडियम, ये सब अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिट्यूरेट की कैटेगरी की ड्रग्स हैं, है ना। तो इसके लिए क्लासिफिकेशन आप देखेंगे आपको क्लियरली दिख जाएगा उसमें ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच रिंग इज प्रेजेंट इन कीटामीन हाइड्रोक्लोराइड। देखिए यहाँ साइड में मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बना दिया है ताकि आपको इसको देख के और ज्यादा इजीली समझ में आए। देखिए कीटामीन में आपको एक चीज तो क्लियर हो जाएगी कि कीटा यानी कीटोन है और अमीन यानी कि अमाइनो ग्रुप होगा, तो ये रहा देखिए कीटोन CO और ये रहा अमीन NH ग्रुप, राइट। और हाइड्रोक्लोराइड है यानी कि क्लोरीन भी होगा ही, तो ये रहा, और साइड में भी HCl भी रहता ही है इसके अंदर, ठीक है। बाकी अब आप देखिए ये पूछ रहा है कि कौन सी रिंग इनमें प्रेजेंट होती है इन चारों ऑप्शन में से। अब आप बोलो कि साइक्लोहेक्सेन की रिंग है,
है ना, ये तो रही साइक्लोहेक्सेन की रिंग। तो आप कहोगे मैम कि हो सकता है डी ऑप्शन करेक्ट हो, बट ऐसा नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इसका सी है, साइक्लो हेक्सेन वन ओन, यानी कि आपको इस पर्टिकुलर कंपाउंड, ये जो स्ट्रक्चर दिया है, इसकी नंबरिंग करना आना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड्स को रब करके जरा इसकी नंबरिंग बता देते हैं। देखिए, जब हम इस तरह के कंपाउंड की नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग का सबसे पहला रूल होता है, वो उस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होती है जिसमें ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले एटम अटैच्ड हो। तो उसके लिए आप देख लीजिए, कार्बन पे यहाँ ऑक्सीजन अटैच है, और अगला जो ये कार्बन है इस पे नाइट्रोजन लगा हुआ है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ज्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है, 8 होता है ना। नाइट्रोजन तो 7 नंबर पे आता है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, इसलिए पहला नंबर हम इसी के कार्बन को देंगे। ये 1 नंबर का कार्बन होगा, ये दूसरा होगा, फिर बचा हुआ ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और सिक्स्थ। ये नंबरिंग ऑलरेडी एक बार आईयूपीएसी की मैं आपको बता चुकी हूँ नंबरिंग का ऑर्डर क्या होता है, राइट। तो अभी के लिए आपको स्ट्रक्चर की हेल्प से नंबरिंग समझना है, इस तरीके से समझिए। पहला कार्बन, हमने इस वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर दिया क्योंकि इस पे ऑक्सीजन एटम अटैच्ड है। सेकंड इस नाइट्रोजन को, क्योंकि यहाँ पे एन है तो ये इस कार्बन को सेकंड नंबर देंगे। तो करेक्ट ऑप्शन होगा साइक्लोहेक्सेन वन ओन, साइक्लोहेक्सेन ये रिंग पूरी, ठीक, और पहली पोजीशन पे ओन यानी कीटोन ग्रुप लगा है, इसलिए साइक्लोहेक्सेन वन ओन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ 12th क्वेश्चन, कॉमनली यूज अमाइड टाइप ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट इज, बहुत कॉमनली इस्तेमाल होने वाला अमाइड टाइप का लोकल एनेस्थेटिक एजेंट कौन सा है। ये जो स्ट्रक्चर आप साइड में देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है लिग्नोकेन का, इसका करेक्ट ऑप्शन लिग्नोकेन है, ठीक है। लिग्नोकेन में क्या होता है ये देखिए, अब अमाइड टाइप यानी अमाइड बोलते हैं इस ग्रुप को, एनएच सी ओ, ये वाला ग्रुप इस तरीके से होता है, एनएच सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसे आप इसको ओपन करके भी बना सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, NHCO, दोनों तरह से किसी भी तरह चलेगा। तो इसके अंदर ये जो अमीन और कीटोन जब इस तरह से अटैच हो जाते हैं बॉन्ड से, इसको बॉन्ड को हम अमाइड बॉन्ड बोलते हैं। और ये अमाइड ग्रुप जो प्रेजेंट होता है किस लोकल एनास्थेटिक में प्रेजेंट होता है, लिग्नोकेन में, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो लिग्नोकेन का है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी यानी कि लिग्नोकेन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, पेंटोथल सोडियम इज, पेंटोथल सोडियम किस तरीके का एनेस्थेटिक है। देखिए, ये लोकल और जनरल एनेस्थेटिक नहीं है, ये इंट्रावेनस, इसको हम बोलेंगे इंट्रावेनस। अब आप बोलेंगे हम लोकल या जनरल किसी ना किसी तरह का तो एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करेगा ही ना, अगर हम उसको इंट्रावेनसली दे रहे हैं। बट आपको स्पेसिफिक आंसर देना आना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। आपको पता होना चाहिए पेंटोथल सोडियम इंट्रावेनसली दिया जाता है, और यहाँ अगर इंट्रावेनस एनेस्थेटिक ऑप्शन दिया है तो आपको यही आंसर लगाना है, लोकल या जनरल की तरफ ध्यान नहीं देना है। अगर इंट्रावेनस नहीं दिया होता मान लीजिए, तब आप लोकल जनरल में से देखते हैं, हाँ चले कौन सा आंसर हम उसको टिक करते हैं। बट अगर आपको इस तरह का ऑप्शन में दिया है कि इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर या फिर इनहेलेशनल, इस तरह के ऑप्शंस दिए हैं और आपको पता है किस कैटेगरी को वो पर्टिकुलर बिलोंग कर रहा है, तो आपको वही आंसर इसका लगाना है। तो पेंटोथल सोडियम एक इंट्रावेनस एनेस्थेटिक है, उसको वेन्स में इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, ये इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंट्रावेनस एनेस्थेटिक ऑफ चॉइस फॉर एम्बुलेटरी सर्जरी। अभी देखिए, एम्बुलेटरी सर्जरी में क्या होता है, अब एम्बुलेटरी की सर्जरी का मतलब ये नहीं कि एम्बुलेंस में सर्जरी कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। एम्बुलेटरी सर्जरी का मतलब है एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में पेशेंट की सर्जरी करते हैं, जिसमें उसके घर वाले आराम से उसको सुबह से शाम तक के लिए सर्जरी कराने लाएंगे और बाद में डिस्चार्ज करके ले जाएंगे। दिन के दिन आप उस पेशेंट को वहां से डिस्चार्ज करके ले जा सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एम्बुलेटरी सर्जरी, ओके। तो कौन सा इंट्रावेनस एनेस्थेटिक है जो एम्बुलेटरी सर्जरी के लिए दिया जाता है, वो होता है प्रोपोफॉल। प्रोपोफॉल वैसे बहुत कम ही से इस्तेमाल होता है, बट अगर कभी पेशेंट को दिन के दिन आप डिस्चार्ज करा के ले जाने वाले हैं, इस तरह की सर्जरी करनी होती है डॉक्टर को, तो वो प्रोपोफॉल दे देते हैं, और उस तरीके से वो पेशेंट जो है वो कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाता है, और उसके बाद में वो दिन के दिन उठ के आराम से जा सकता है घर पर। इसके लिए इसको एम्बुलेटरी सर्जरी वाला दिया जाने वाला इंट्रावेनस एनेस्थेटिक कहते हैं। तो प्रोपोफॉल इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो दिस इज ऑल इट, आई थिंक यहाँ पे जाके हमारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। अब आपको जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं।
किसी को भी कोई डाउट है तो वो चैट सेक्शन में या फिर डायरेक्टली हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। यस विक्रांत, गुड इवनिंग मैम। मैम गुड इवनिंग विक्रांत। जो है नास्ता में लोकल और जनरल से तो आएगा, और बाहर से तो कुछ आएगा नहीं इसमें। नहीं, बाहर से कुछ नहीं आएगा। और मैम जो केमिस्ट्री में, इसमें सेकेंडरी का सिलेबस कम है क्या? कम है ना? हाँ, जो टॉपिक्स करा रही हूँ ना मैं, इन्हीं में से आएगा घूम फिर के, से बाहर कुछ नहीं जाएगा। लोग सेकेंडरी को ज्यादा वैसे रिलेटेड नहीं है, फर्स्ट ईयर का नहीं, ज्यादा है बहुत ज्यादा है। हाँ जी। बस ये और तो कुछ वैसे कोई दिक्कत नहीं, बस ये है तो जल्दी कवर अप करा दो सिलेबस। कोशिश कर रहे हैं हम। देखिए, ऐसा तो नहीं कि आपको सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना है, और सब्जेक्ट्स भी देखने हैं ना, तो हम लोग सभी की क्लासेस करा रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं, देखिए जितना जल्दी हो पाता है उसी हिसाब से करा दे रहे। तो सही है, बस ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा तो रिवीजन भी हो जाएगा थोड़ा एक दिन पहले। हाँ विक्रांत, आप रिवीजन भी साथ साथ करते चलिए, जिस टाइम में फ्री है रिवीजन कर लिया, जब क्लास हो रहा है क्लास ले लिया, ऐसे करते करते पढ़ते चलिए। ठीक है, ओके मैम, थैंक ओके ओके। यस हरी ओम, बताइए। गुड मैम। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग, बताइए। मैम 7 नंबर क्वेश्चन और 11 नंबर क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए। ओके, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है। मैंने जी इसकी मैम। नंबरिंग का आपको तरीका पैटर्न बताया कि जब नंबरिंग करते हैं हम इस तरह के कंपाउंड्स की, उसमें क्या करना होता है कि जब हमें पहले उस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है जिसपे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला एटम प्रेजेंट हो, है ना। यहाँ पे एक कार्बन पे ऑक्सीजन लगा है डबल बॉन्ड से, दूसरे कार्बन पे एनएच लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड से। तो कार्बन पे ऑक्सीजन है, एक पे नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में से ज्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है कंपैरेटिवली नाइट्रोजन के। ठीक है, जी तो जिस तरफ ऑक्सीजन लगा है उसी कार्बन को आप पहला नंबर देंगे, उसको मैंने 1 नंबर दिया, दूसरे को सेकंड नंबर, नाइट्रोजन वाले को। इस हिसाब से जी अगर आप देखें ऑप्शंस मैच करके, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन 1 ओन उसमें बोला है। साइक्लोहेक्सेन, ये जो 6 मेंबर रिंग आप देख रहे हैं, ये साइक्लोहेक्सेन की रिंग है ना। इस पे जी कीटोन ग्रुप लगा है, इसलिए उसको 1 ओन, पहली पोजिशन पे कीटोन है इसलिए उसको 1 ओन बोल दिया है। तो साइक्लोहेक्सेन 1 ओन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो गया 11th, और फोर्थ 7 नंबर। 7th हो गया। हेलोथेन का केमिकल नेम की बात आई थी, तो हेलोथेन के केमिकल नेम है, मैंने इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है ना। हेलोथेन का थोड़ा आपको केमिकल नेम याद रखना पड़ेगा। एक तो मैंने इसकी ट्रिक ये बोली है, हेलोथेन नाम है तो समझ लीजिए उसमें एक से ज्यादा हेलोजन है, इसलिए उसका नाम ही हेलोथेन रखा है। स्पेसिफाई नहीं किया कि क्लोरोथेन है कि ब्रोमोथेन है, ऐसा नहीं बोला। तो हेलोजन बोल दिया, यानी कि दो हेलोजन उसमें आ जाएंगे, ब्रोमीन भी क्लोरीन भी दोनों है उसके अंदर, और फ्लोरीन भी है, तीसरा भी है, तीन तीन फ्लोरीन है, इसलिए उसका नाम पूरा मिला जुला के हेलोथीन रख दिया है यहाँ पे। ठीक है, और स्ट्रक्चर के हिसाब से देख लीजिए, इथेन है यानी कि दो कार्बन है, तो मैंने यहाँ दो कार्बन दे दिए, राइट। उसके बाद में फर्स्ट कार्बन पे 3 बार फ्लोरीन लगा है, ये लगे हैं 3 फ्लोरो। ठीक, दूसरे कार्बन पे एक ब्रोमीन है, एक क्लोरीन है, तो एक ब्रोमो हो गया, एक क्लोरो हो गया। इस तरह इसका से बहुत सिंपल सॉर्टेड स्ट्रक्चर है, बस आपको उसके स्ट्रक्चर से नाम देना उसका इंपॉर्टेंट आना चाहिए, है ना, कि फर्स्ट कार्बन पे फ्लोरीन लगा हुआ है, क्योंकि फ्लोरीन का जो मतलब फ्लोरीन है, तीन तीन फ्लोरीन अटैच है, इसलिए हमने उसको 1-1-1 ट्राई फ्लोरो बोल दिया है। और उसके बाद में 2 पे ब्रोमो, और उसी सेकंड पोजिशन पे क्लोरीन है, तो 2 ब्रोमो 2 फ्लोरो 1-1-1 ट्राई फ्लोरो इथेन। ओके थैंक ठीक है, ओके okay। यस राना जी, बताइए। हेलो, हाँ मैम। राना जी बोलिए। गुड गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। मैम जैसे अभी एमसीक्यू चल रहा है इसमें, हाँ मैम इसका नोट या जो डायरेक्टली जैसे ये ऐप से प्रिपेयर करने इनको। आपकी आवाज आ रही है जा रही है, मुझे क्लियरली समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। मैम जैसे एमसीक्यूज आप पढ़ा रहे हो हाँ, तो इसकी प्रिपरेशन हम नोट बना के करें या डायरेक्टली कर लें जैसे कम समय रह नोट रहा है?
देखिए, ये वीडियो कहीं जा नहीं रही है, वहीं रहनी है ना चैनल पे, जी तो आप जाके वहां पे इसको जब चाहें तब देख सकते हैं, सुन सकते हैं, राइट। वो भी एक तरीका है। अब ये आपके पढ़ने पे डिपेंड करता है कि आपको पढ़ना लिख के पसंद है नोट्स बना के, कि आपको वीडियो देख के पढ़ना ज्यादा पसंद है। आप बार ठीक बार वीडियो देख के पढ़ना पसंद करते हैं, आप बार बार देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें, राइट। और अगर आपको एक बार नोट्स बना के बार बार उससे पढ़ना पसंद है, तो आप ऐसे पढ़िए, आपके ऊपर है। वो है ना, समस्या टाइम थोड़ा रह गया ना, इसकी वजह से अब जब वीडियो से पढ़ना हाँ, पड़ेगा। तो उसके लिए ही आप वीडियो देखते रहिए थोड़ा थोड़ा टाइम में, उससे आपको इजीली समझ में आते रहेगा। थैंक यू मैम। ओके, यस क्रिश, बोलिए क्रिश। जी मैम नमस्ते। नमस्ते, बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ मैम, एक्चुअली में जो मैं ये लाइव क्लास आप चालू करती हो तो मैम मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आता मैम, और मैं कभी कभी मैं मतलब जब चेक कर लेता हूँ तो मुझे पता लग जाता है मैम, वैसे पता ही नहीं लगता है मैम। देखिए, मेरे को नहीं पता आपके साथ ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। मुझे नहीं लगता यहाँ किसी और स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन भी लेकिन जाता रहता मैम है एक्चुअली आजकल में सबके पास। आपने जी नोटिफिकेशन या तो ऑफ कर रखे होंगे, और नोटिफिकेशन भी जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, सबके थ्रू पता चल जाता है कि क्लास लेना स्टार्ट हो गया है। आपको थोड़ा अच्छा सा तो अवेयर मैम ये रहना मैम पड़ेगा, इसकी प्लस आपको इंटरनेट वीडियो ऑन रखना पड़ेगा अपना। मैम, तो इसकी वीडियो अपलोड कर देना मैम। वो अपलोड हो जाएगी, देखे है ना, वो सब हो जाएगा, आप देख तो सकते हैं इसको दोबारा भी, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैम ऐसे एक बार चेक कर लेना उसमें, मतलब आप वो डाल देना, रिक्वायरमेंट डाल देना, जैसे क्या बजे से आपको बुक करती हूँ मैम, क्लास लेती हूँ। देखिए, कभी कभी लाइव क्लास अर्जेंट एकदम लेनी होती है तो वो लाइव एकदम हो जाता है, कभी कभी पहले से हम नोटिफिकेशन डाल के वैसे ले लेते हैं। अल्टीमेटली स्टूडेंट्स के पास पहुंच ही जाता है नोटिफिकेशन, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एक्टिवली चेक करना पड़ेगा, राइट। और बाकी अगर कोई टेक्निकल इशू है या कुछ है, तो हमारी टेक्निकल टीम है, या आप वहाँ पे कॉल, हेल्पलाइन नंबर है, आप वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक। यस राजी, हेलो, हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग राजी, बताइए। मैं रहा हूँ, मैंने मैम न्यू ज्वाइन किया था कल ओप हमारा, क्योंकि एक्चुअली मेरा 29 में पेपर है, इसी को 5 दिन है, तैयारी तो भी चल रही है, बीच बीच में क्वेश्चन से मॉडल पेपर से मैं थोड़ा थोड़ा लर्न कर रहा हूँ, बट मुझको ये दिक्कत हो रही है, जो मैं कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ ना आपके जो वीडियो लेक्चर है, तो उसी से ही जी, MCQ की जो क्वेश्चन है टेस्ट कॉन्सेप्ट देख के करूँगा, डायरेक्ट ही कर लूँ मैम, इसमें कोई दिक्कत। देखिए, अब ये आपकी समझ के ऊपर है, आपके पास टाइम कम है ना, इसीलिए हम एमसीक्यू करा रहे हैं। आप चाहें कॉन्सेप्ट, अगर आपको कोई नहीं समझ आ रहा, आप वीडियो देख लीजिए, उसकी जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है वो आप यहीं से कर लीजिए, है ना। क्योंकि मैं तो आपको एमसीक्यू करा रही हूँ, तो एक एक कॉन्सेप्ट बताते चल रही हूँ, तो ये आपके नहीं ऊपर है। कम मैं समय में आपके पास पूरा पढ़ने का टाइम अगर है तो आप पूरा पढ़िए, नहीं है तो आप फिर अपने हिसाब से देखिए, जैसे आपको ठीक लगता है। हाँ इसीलिए तो मैं कह रहा था, क्योंकि मैम मेरे पहले छूट गई थी ना, आपने जो पढ़ाए हैं लेक्चर वो मेरे छूट गया, मगर बट मैं उन्हें देख रहा हूँ, उसमें जो आपके पहले वीडियो लेक्चर हैं उसमें देख रहा हूँ मैं, फिर क्लियर करते चल रहा हूँ, आपका भी हाँ लाइव जी, ले यही रहा करिए, तो वो भी एक हूँ। अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर टाइम कम है तो आप खाली एमसीक्यूज देख लीजिए। ये भी सही है मैम, यही हाँ जानकारी चाह जी, रहा था। ठीक है राजी, थैंक ओके, यस रमशेद, हेलो रमेश, यस, हेलो, हाँ बोलिए, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम ये कह रहे थे कि जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है ना, जैसे फार्मास्यूटिक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो, तो उसमें से मैम पूरा ऑलरेडी पढ़ना पड़ेगा क्या, जो एंटी इन्फ्लामेटरी वगैरह ड्रग्स वगैरह के बारे में, या फिर नॉर्मली? देखिए, अभी के लिए मैं यही बोलूंगी, एग्जाम सरे है, तो जब हमारे एग्जाम एकदम आने वाला होता है, तब हम क्या कोशिश करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है वो कर लें, और उसी के लिए हम लोग की क्लासेस ले रहे हैं, कि जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के थ्रू आपको जितना हो सके हम करा दें। तो अभी के लिए अगर आप मुझसे एडवाइस लेंगे, मैं यही दूंगी कि आप यही कर लीजिए। और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, तो वहां पे लेक्चर्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी, आप वहां से देख नहीं लीजिए। नहीं मैम कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, बट ये है ना कि इतना सब ऑलरेडी कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि फार्मास्यूटिकल में ड्रग हाँ एक थोड़ी ना एग्जैक्टली, है। तो इसीलिए बेटर है कि आप वीडियोस देखते चलिए, जो जो लाइव लेक्चर्स ले रहे हैं टीचर्स, आप लेते चलिए उनको, साथ साथ में वीडियोस देखते चलिए, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा।
और मैम एसिड बेस बफर से मैम इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा ना केमिस्ट्री का ये तो, एंड फार्मेसी हाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड बफर वाला। ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है. मैंने लास्ट क्लास लिया है अभी, आप शायद नहीं थे उसमें. नहीं मैम मैं नहीं एसिड था बेस लास्ट बफर का क्लास में। क्लास मैं ले चुकी हूँ. हाँ वो एक्चुअली मैं बाहर गया था स्पेशली नहीं ले पाई थी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ मैं। ओके, तो आप वो वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे, आप वो वीडियो देख लीजिएगा. एंड मैम एंटी माइक्रोबियल्स एंड एस्ट्रेजेंट्स वगैरह में तो सर नॉर्मली क्वेश्चन आएंगे ना वैसे। अभी वो सबकी भी क्लास होगी, आप उसमें से चेक कर लीजिएगा. ओके ओके मैम थैंक यू मैम। ठीक है, ओके. यस अनिल, हेलो. हाँ अनिल बोलिए. हेलो, गुड इवनिंग हाँ अनिल बताइए. मैम। मैम मैं मुझे इस ऐप की जानकारी कल ही मिली थी मैम, मैंने कल से ही क्लास ज्वाइन की है। हाँ जी. तो मैम जो मेरे से पीछे छूट गया है वो वीडियो इसी ऐप पे मिलेंगी या फिर यूट्यूब चैनल पर? यहाँ भी मिल जाएंगे, YouTube चैनल पे भी है, आप दोनों तरह से देख सकते हैं. बाकी यहाँ देखेंगे आपको काफी सारे मिल जाएंगे, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा ऐप पे. जी। अच्छा, और एक बात तो ठीक है और मैम। कुछ? और जैसे हाँ टाइमिंग, हेलो हाँ जी, हाँ जी हेलो बताइए. हाँ जी मैम, जैसे बोलिए. टाइमिंग क्लास की कोई टाइमिंग? क्लास के देखिए अभी एग्जैक्टली कोई टाइमिंग नहीं चल रही है, पूरे दिन ही लगभग क्लास हो रही है, रात को भी क्लासेस हो रही है. तो आप बस अपना फोन का नेट ऑन रखिए, नोटिफिकेशन आता है, आपको क्लास इंपॉर्टेंट लग रही है, ज्वाइन कीजिए और पढ़ते चलिए. हर सब्जेक्ट का क्लास इस तरीके से चल रहा है, और बाकी कुछ का नोटिफिकेशन पहले से आ जाता है, उस हिसाब से आप अपना प्लान कर लीजिए. जी, थैंक यू मैम। ओके ओके यस हसीन, हेलो. यस हसीन बोलिए. मैम, बताइए. मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो मैम आप ये सबके जवाब दे रही ना मैम, हाँ इससे जो टॉपिक बहुत लेंथी हो जाता है तो टाइम बर्बाद हो रहा है, इसलिए जब आप पढ़ाई करें तो दो चार लोगों के सिर्फ जवाब दो, बाकी सबके छोड़ो मैम। अब देखिए, मैं ऐसे फिगर आउट नहीं कर सकती ना, ये आप सबको जब आप सब क्वेश्चन पूछते हैं, आपको सोचना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछना ही कंसेप्ट चाहिए, तो आप हैंड मैम रेस पता करिए. बारे में जानकारी चाहिए कि ये चाहिए वो चाहिए, ये आप अपने टेक्निकल से पूछो। अब जी क्लास चल रही तो इस ये बारे मैं में ऑलरेडी अभी बोल चुकी हूँ, पीछे अभी मैंने एक स्टूडेंट को यही बोला कि कोई टेक्निकल ग्लिच है कुछ है, तो वो मेरा कंसर्न नहीं है, राइट. वो आप हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप उस पर कॉल करके बात कर सकते हैं. ये मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए बोल चुकी हूँ. तो मैम चार या पांच लोग जो भी ऊपर आए करें उनके आप रिसीव कर लिया करें, बाकी मैम ज़्यादा लेंथी हो जाता है, टाइम है नहीं इतना जितना टॉपिक लेंथी हो जाता है, इस हिसाब से है ना हाँ मैम। जी, तो आप देखिए मैं उसको तरीका बताती हूँ. आप ये करा कि क्या कीजिए, जैसे क्लास ओवर हो गया, आपको जो डाउट है आप पूछिए, और पूछने के बाद में उसके बाद आप जाके अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ लीजिए, राइट. और मैं भी थोड़ी देर में क्लास एंड कर ही दूंगी अभी. ठीक ओके है, ओके. ठीक है। यस संदीप. हाँ बात करनी। हेलो संदीप बोलिए. हाँ मैम, गुड इवनिंग मैम। इतना गुड इवनिंग संदीप, बताइए. था कि मतलब अब तो टाइम है नहीं तो मेन मैम चैप्टर बता दीजिए, IMP वही हम पढ़ लेते हैं। देखिए संदीप, अभी चैप्टर ही वाइज मैं करा ही रही हूँ. एसिड बेस बफर अभी पिछला उसमें कराया है, एनास्थेटिक अभी हो गया है, कल भी क्लास होंगी दो तीन, उसमें भी आपको जितना मैक्सिमम हो पा रहा है मैं सब कवर करा दूंगी. एक क्वेश्चन ठीक था, है, हाँ बताइए. लोकल एनेस्थेटिक रिसेप्टर आप मतलब डिपोलराइजेशन कैसे होता है वही समझना उसके लिए आप देखिए, अभी एक्चुअली क्या है, दूसरा क्लास स्टार्ट होने वाला है ना, बहुत डिटेल में अभी फिलहाल समझाने का मेरे पास टाइम नहीं है. ठीक है, 5:30 से आपको दूसरा क्लास भी स्टार्ट करना है, दूसरे सब्जेक्ट का. तो आप एक बार हमारे लेक्चर्स देख लीजिए ना ऐप पे, यूट्यूब चैनल पे, दोनों पे आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी, था। ओके राइट. ओके मैम। ओके यस नरेश. जी हेलो नरेश बोलिए. मैम, क्लास में बहुत भागदौड़ शोर होती है, फालतू क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं लड़के।
हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं, वो सब जी चलते रहता है। देखिए सबके स्टूडेंट्स के अपने अपने अलग कंसर्न है, मैं बोल चुकी हूँ, और अभी मैं ये चीज अनाउंस भी कर दूंगी नेक्स्ट क्लास में कि कभी भी स्टूडेंट कोई टेक्निकल इशू या कुछ है तो वो सब मेरे से ना बोले, राइट? क्योंकि वो मेरे कंसर्न नहीं है, आई कैन नॉट रिजोल्व इट, राइट? मेरा इसलिए नहीं मैम, ये मॉक टेस्ट भी होगा ना पेपर से पहले। वो देखते हैं, ये बात देखिए आप उदित सर से पूछ पाएंगे तो बेटर रहेगा, है ना? इस बारे में मैं आपको कुछ नहीं नहीं मॉक बता नहीं नहीं पाऊंगी। नहीं 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 मॉक टेस्ट होना है, मैं ना भी उसको एडमिट कार्ड निकला उसमें पहले लिखा, पहले मॉक टेस्ट ही होगा। ओके ओके ठीक है, तो जैसे भी रहेगा हाँ आप तो बेटर उस जान पाएंगे। हाँ तो मॉक टेस्ट का कुछ जानकारी आप दीजिए ओवरऑल टोटल। सिर्फ मॉक टेस्ट मुझे तो टोटली डेफिनेशन है ना, वो कुछ भी पूछ सकता है ना हमसे। देखिए जो सिलेबस है उसे बाहर तो नहीं जाएगा, और जो सिलेबस है वो हम लोग कवर करा ही रहे हैं। अरे मैम बाकी तो पढ़ाई आपको कोई और जानकारी चाहिए आप एक बार उदित सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बेटर बता पाएंगे। हाँ ठीक है ओके जी, मैं सब्जेक्टिव बता सकती हूँ, ओके बाकी चीजें आप उनसे बात कर लीजिए। ठीक है ओके। ओके। यस अरुण, बोलिए अरुण। मैम जैसे मैंने अभी तुरंत ज्वाइन किया है मैम, हाँ जी, हो जाएगा? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वही मैंने मैम अभी देखा तो फिर मैंने सात सात ज्वाइन किया। एमसीक्यूज करते चलिए, हो जाएगा। ओके मैम ओके थैंक यू मैम। ओके। हाँ हर्ष बताओ। हेलो, डायबिटीज कितनी है, ब्लड थायराइड क्या है कितना, हेलो खाली पेट हर्ष बोलिए। बहुत ज्यादा है। चलिए स्टूडेंट्स, आई थिंक जिसके जो जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम आपसे कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है?